गौरी, 7 सालों में पहली बार गर्व को घर से बाहर लाए और इस पहली बार में ही गर्व पे इस मनहूस गौरी का साया पड़ गया। दवाई खा लो। घर दवाई तो खानी पड़ेगी। नहीं। तुम्हारे लिए जरूरी है, खा लो। नहीं। भांजे दवाई खा लो। हटाओ। जिद मत करो भांजे, दवाई खा लो। आप क्या कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? दवाई ले लीजिए। देखा बहन, गर्व जिस गौरी को चिल्ला चिल्ला के धोखेबाज कहता था, आज उसकी एक आवाज पर देखो कैसे खामोश खड़ा है। कौन हो तुम? घर जाना है ना, चलो। ले जाइए, हम आते हैं। जाओ कर। जुबान पे काबू नहीं रख सकती थी का? आपसे एक बात पूछे। पूछ। वो पागल अगर सच में ठीक हो गया तो? धोखा, तुम्हारी बाप की मौत का बदला अधूरा रह जाएगा और हम दोनों यूं ही बर्फ सेकते रह जाएंगे। नहीं दादी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम उस शकुंतला बुआ को बता के रहेंगे कि ये गहरी खट्टी भी है और तीखी भी। इस गर्व और शकुंतला की जिंदगी तो हम तबाह कर देंगे। हाँ, दबा कर देंगे।
पर दादी हम उनकी दवा क्यों करेंगे? आप एक बात बताइए, आपने कोई वैद्य वगैरह का कोर्स किया है क्या जो हम दवा कर देंगे? सॉरी, शायद हमें कुछ गलत सुन लिए। कोई बात नहीं, सुनाई गलत दिया तो क्या हुआ, दिखाई तो सही देगा ना, तू देखना इस अग्रवाल खानदान का तो नामो निशान मिटा देंगे हम। क्यों रोका है हमें? इसलिए क्योंकि आपने हमसे वादा किया था कि हमारे गर्व जी की जिंदगी से जाने के बाद आप उनकी जिंदगी में खुशियां भर देंगी, लेकिन यहाँ तो ये तड़प रहे हैं। कैसी हालत में रखा है आपने उन्हें, जानवरों से भी बदतर। आखिर कौन सी माँ अपने बेटे को ऐसे मेडियो में बांध के रखती है? तो क्या करें? खोल दे उसकी बेड़िया, खोल दे उसकी बेड़िया ताकि वो खुद को चोट पहुंचा सके। कैसे देखे उसे इस हालत में आप? गर्भ बदल चुका है, किसी के आपे में नहीं आता। सब कुछ करके देख चुके हैं हम, कहां कहां इलाज नहीं करवाया, किस मंदिर के चौखट पर अपना माता नहीं देखा है हमने। गर्भ किसी के आपे में नहीं आता। आज 7 साल में पहली बार गर्भ ने शांति से प्यार से किसी के हाथों से दवाई खाई है। हमें तक नहीं पहचानता, दीवाना हो गया है हमारा बेटा, पागल हो गया है, जिंदगी बर्बाद कर ली है उसने, सब तुम्हारी वजह से। हमें जिम्मेदार ठहराने से पहले आप ये मत भूलिए कि आपने ही हमसे कहा था कि वो हमसे प्यार नहीं करते। कितना घमंड था ना तुम्हें कि गर्व हमसे प्यार करता है। गर्व तुम जैसे नाली के कीड़े से प्यार करेगा? गर्व सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से प्यार करता है। आपने ही कहा था कि उन्होंने हमसे झूठी शादी सिर्फ इसलिए करी ताकि वो हम बुनकरों से बदला निकाल सके। गर्व ने तुमसे शादी क्यों की पता है? ताकि तुम्हें, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे सारी बस्ती वालों को हमारे पैरों में गिरा सके, बस सिर्फ इसलिए। अरे हम तो पागलों की तरह ये सोचते रहे कि वो खुश है, अच्छे से रह रहे हैं, आखिर क्यों झूठ बोलकर आपने हमें घर से निकाला? वो लड़की कहाँ है? मेरी दोस्त हो ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो ना, चलोगे ना तुम मेरे घर? चलोगे ना मेरे साथ? बोले चलोगी? गर्व जी शांत हो जाइए। हाँ मैं शांत हो गया।
तुम मेरी दोस्त हो, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आप इसे घर लेके आइए ना, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, चलोगी ना मेरे साथ? गर्जी आप जाकर गाड़ी में बैठिए, हम बात करते हैं ना। आज के बाद तुम अगर हमारे गर्व के आस पास भी नजर आए तो हम खुद की जान ले लेंगे। आओगी ना पक्का? मेरे घर आओगी ना? हम साथ में रहेंगे, बताओ आओगी? वादा तोड़ोगी तो नहीं ना? उस घोड़ी की तरह उस गौरी ने एक बार भी नहीं सोचा कि गर्व उसके बिना कैसे रहेगा। मुझसे मिलने तक नहीं आई वो। धोखेबाज है वो। तुम ऐसा नहीं करोगे ना? तुम वादा नहीं तोड़ोगी? तुम घर आओगी ना? बोलो, घर आओगी ना? गाड़ी में जाकर बैठिए ना, हम आते। पक्का आओगी? वादा मत भूलना। इसे लेके आइए ना। हाँ। मैं इंतजार करूंगा। पक्का आना, मैं वेट कर रहा हूं। आज हमें महसूस हो रहा, 7 साल पहले उस हॉस्पिटल में हमने हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे गलत फैसला लिया था। पर आज हम हमारी गलती सुधारना चाहते हैं। आज हम तुम्हें घर वापस बुलाना चाहते हैं गौरी। हम समझते हैं 7 सालों में शायद तुम जिंदगी में कहीं आगे बढ़ गई होगी, पर हमारा घर वो तो वही है, तुम्हारी यादों में कहीं तुमसे ही जुड़ा हुआ है। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करनी तुम्हारे लिए, तुम उसके लिए वापस आ जाओ गौर। आओगी? तुम तो कहती थी कि तुम उससे प्यार करती हो, उसके लिए कुछ भी कर सकती हो, बात का सोचना। आज गर्व को तुम्हारी जरूरत है, तुम गर्व के लिए नहीं आओगे। आज हम तुम्हारे सामने हमारे बेटे की जिंदगी के लिए हाथ जोड़ते हैं। वापस आ जाओ गौरी, गर्व को ठीक कर दो, वापस आ जाओ। हम जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आ गए जहां से वापस आ पाना नामुमकिन है।
नहीं मालकिन, हम वापस नहीं आ सकते। हमें माफ कीजिए। हम गर्व जी की सलामती के लिए दुआ करेंगे, पर हम वापस नहीं आ पाएंगे। अरे अक्कल की पैथल, अरे तू यहाँ खाने आई है या अपनी बाप की मौत का बदला लेने आई है? हमें एक बात समझ में नहीं आती दादी, क्या हम बदला लेते लेते अपनी चाचा का ख्याल नहीं रख सकते? अरे खाने के चक्कर में ना तू अपना मकसद चूक जाएगी। सूख जाऊंगी? अरे सूखे हमारे दुश्मन, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको पता है हम एक दिन में 3-3 बार तीसी की खाते हैं। और तो और आपको पता है कल तो हमने बिंदा मामी की अलमारी से काजू किशमिश बादाम सब निकाल के खा लिया। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम नहीं होने वाले दुबले। अरे हमें तो लगता है ना कि तू हमारा खून जलाने के लिए ना ये सब गलत सलत सुनती है, नाटक करती है। दादी घातक, दादी आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। देखना इन दोनों माँ बेटे के लिए ना हम एक दिन जरूर घातक साबित होंगे। बस आप दुआ कीजिए कि गर्व भैया को बचाने के लिए वो गौरी इस घर में ना आए। उसकी चिंता मत कर तू, ये सको ना उस लड़की को इस घर में आने ही नहीं देगी। कामयाब नहीं होने देंगे और हम आपकी सच्चाई अभी बाहर जाकर सबको बता देंगे। कहीं ये गौरी बहुरिया हमारी साजिशों पे पानी फेरने तो नहीं आई है? ये मेरा घर है और आज से ये तुम्हारा भी घर है, तुम मेरे साथ ही रहना। ओके आ जाओ। हिम्मत कैसी हुई इस घर में कदम रखने की? हाँ निकल यहां से।
शांत हो जाइए गर्व जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। चल, निकल यहां से, निकल। कोई हाथ नहीं लगाएगा सर, मेरी दोस्त है। गर्व जी कुछ नहीं, शार शार कुछ नहीं, हमसे तो बच जाएगी, पर जब सक्कू को पता चलेगा तो तेरी क्या हालत होगी, पता है तुझे? देखा सक्कू, ये लड़की फिर से आ गई है तेरा घर और तेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। इसे हम यहां पर लाए, आज से ये यही रहेगी। खुद इसे लेकर आई हो? दीदी, दीदी ये तो उपाव गौ गौ। अरे गौरी का नाम नहीं लेना है। हाँ हाँ, मेरे गांव में ना एक गौरव नाम का लड़का रहता था, उसके जैसे ही दिख रही है। शकुंतला ये सब कहा है? हम समझाते हैं, तुम अंदर जाओ। ये उल्टी गंगा कैसे बहने लग गई? हमारी हिम्मत कैसे उसके नाम को हाथ लगाने की? और कौन है तू? मुझे मारने आई है, मुझे मारने आई है ना तू? नहीं, रुक जाओ, वो आपको मारना नहीं चाहती है, उन्हें छोड़ दीजिए। सोचा था आप अपनी दुनिया में खुश होंगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि आपकी दुनिया इस कदर बर्बाद हो चुकी होगी। हम भगवान से दुआ करेंगे कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि हम भी कुछ काम अधूरा छोड़कर आए हैं, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास भी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.